पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एक सियासी मौका है ये जो मौका है वो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का चुनाव करने जा रहा है। मैं ऐसे वक्त में आपके बीच में आया। एक तरफ एक वो ताकतें हैं जो राम का मंदिर बनाते बनाते कब राधू राम का मंदिर बनाने लगे पता ही नहीं चला, राम का मंदिर बनाते बनाते नाथू राम का मंदिर बनाने वाली ताकतें एक तरफ है, और एक तरफ एक ऐसी ताकत है जो महात्मा गांधी के उसूलों पर चलने की कसम खाए हुए है। मैं एक ताकत के खिलाफ खड़ा हूँ और एक ताकत के साथ खड़ा हूँ। 23 अप्रैल को जब ईवीएम की कतारों में खड़े होना मुरादाबाद वालों, तो ये मत भूलना कि एक शख्स पगलाए हुए शख्स की सनक ने तुम्हें एटीएम की कतारों में लगने का तोहफा दिया था, 125 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया था इस मुल्क को एक पगलाए हुए तानाशाह की सनक में, जो अपने आप को फकीर कहता है, जो अपने आप को फकीर कहता है और आजकल तो चौकीदार कहने लगा, खुद को सच्चाई का ठेकेदार लिखने लग गए, बौखलाहट यूं सरे बाजार लिखने लग गए। एक नारे से हुकूमत इस कदर घबरा गई, चोर सारे खुद को चौकीदार लिखने लग गए। मैं अलग ऐलान पिछले 4 साल 4.5 साल से उनसे कहता रहा हूँ। जो मुरादाबाद में पिछली बार लोकसभा के चुनाव में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, यही बोले थे वो, और आज मैं यही ये शेर पढ़ रहा हूँ कि ये धुएं की लकीर मत बेचो यार, लफ्ज़े फकीर मत बेचो, मोदी जी आपसे गुजारिश है चाय बेचो जमीर मत, जमीर मत बेचो। पिछले 4.5 साल में मुझे समझाया गया कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, बोलना बंद कर दो वरना मार दिए जाओगे, कैद कर दिए जाओगे। मुरादाबाद वालों, आज की ये जो लड़ाई है वो न तो नाली की लड़ाई है, न सड़क की लड़ाई है, न बिजली की, न पानी की, ये लड़ाई हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की लड़ाई है। इमरान प्रतापगढ़ी कैसे परदेसी हो सकता है? इमरान प्रतापगढ़ी तो वो प्रतापगढ़ है वो जब प्रतापगढ़ में अपने घर में रहता है और इजराइल फलस्तीन पर हमला करता है तो इमरान नज्म पढ़ता है रो रो करके कि मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। वो इमरान परदेसी कैसे हो सकता है जो अपने घर से 600 किलोमीटर दूर नजीब की अम्मी के आंसुओं को अपने दामन में जज्ब करता है? वो इमरान परदेसी कैसे हो सकता है जो अपने घर से 700 किलोमीटर दूर, अपने घर से 750 किलोमीटर दूर रोजे की हालत में पहलू खान की दोनों आंखों की 85 साल की नाबीना मां के आंसुओं को अपने दामन में जज्ब करने के लिए जाता है? वो इमरान परदेसी कैसे हो सकता है जो अपने घर से 1600 किलोमीटर दूर आसनसोल में दंगे में मारे गए इमाम साहब के बेटे
कि ताजियत के लिए रोजे की हालत में उतर जाता है वो इमरान परदेसी कैसे हो सकता है। और फिर अगर इमरान परदेसी है, इमरान बहारी है, तो इटावा से जाकर के आजमगढ़ में चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव जी क्या है? अहमदाबाद से, गुजरात से आकर के बनारस में चुनाव लड़ने वाले नरेंद्र मोदी जी क्या है? अगर वो दोनों लोग बाहरी नहीं है तो इमरान सिर्फ इसलिए बाहरी है क्योंकि वो एक गरीब का बेटा है, उसके पास कोई सियासी विरासत नहीं है। कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं कि मैं नेता बन के नहीं आया हूँ, मैं बेटा बन के आया हूँ, मुझे कबूल कर लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि जब मेरे हाथों में कभी कोई ताकत नहीं थी तब भी ये पंजा उस सालिम तानाशाह के पंजे से लड़ता रहा है। जिस दिन आपने इसे ताकत दे दी उसके बाद कौन नरेंद्र मोदी, कौन आदित्यनाथ, योगी, इमरान को कोई नहीं रोक सकता। खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी